वैश्विक महामारी कोरोना के कारण एक तरफ तो जहां देश आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हुआ, वहीं अनिश्चितता और विभिन्न कारणों से लाखों की संख्या में प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। इसी दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस अभियान के तहत 125 दिवस निश्चित किए गए हैं। व्यय की जाने वाली राशि 50,000 करोड़ रुपए है। अभियान के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के मकसद से 25 विकास कार्यों के संपादन पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन के साथ साथ जल जीवन मिशन आदि विभिन्न कार्य शामिल हैं। समझदारी दिखाए, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। क्या हुआ बच्चे को? आज सुबह बिट्टी को टीका लगवाया था, उसके बाद से बुखार है। मैं समझाती हूँ। हमारा शरीर एक किले की तरह है। अब जैसे हर किले में फौज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। ये बीमारी के कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं। टीकाकरण में वैक्सीन को शरीर में इसलिए भेजते हैं ताकि सफेद सेल बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु की पहचान कर सके और इनसे लड़ना भी सीख ले। जब सफेद सेलों की ट्रेनिंग होती है तो बदन गर्म हो सकता है। बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है। समझ गया, अब से हम बिट्टी के सभी टीके सही समय पर लगवाएंगे। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात को रोपेक्स फेरी और रोपेक्स टर्मिनल की दी सौगात। सूरत के हजीरा बंदरगाह से भावनगर और घोघा बंदरगाह के दरमियान चलेगी सर्विस। मरकजी वजारत सड़क ट्रांसपोर्ट और रियासती शाहरा ने जारी किया नोटिफिकेशन। जनवरी 2021 से पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी होगा फास्टैग। टोल प्लाजा में 100% टैक्स के लिए उठाया गया कदम। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन होंगे अमेरिका के अगले सदर। भारतीय निजात की कमला हैरिस अमेरिका में बनेंगी नायब सदर। आइंदा साल 20 जनवरी को लेंगी ओहदे का हलफ। और वजीर अला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बिजली निगम के 216 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया मानवन और रखा संगे बुनियाद। इससे लोगों को बगैर रुकावट बिजली और वोल्टेज की दिक्कत से मिलेगी नजात। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात को रोपेक्स फेरी और रोपेक्स टर्मिनल की सौगात दी है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत के हजीरा बंदरगाह से भावनगर की घोघा बंदरगाह के दरमियान रोपेक्स सर्विस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने कहा कि घोघा और हजीरा के दरमियान रोपेक्स फेरी सर्विस शुरू होने से स्वराष्ट्र और जनूबी गुजरात दोनों हलके के लोगों का बरसों का इंतजार खत्म हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सर्विस से वक्त तो बचेगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से ट्रैफिक कम होगा और आलूदगी कम करने में भी मदद मिलेगी। इस सर्विस से घोघा और हजीरा के दरमियान अभी जो सड़क की दूरी 375 किलोमीटर है वो समुद्री रास्ते से अब सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। इस दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटे का वक्त लगता था, उसे पूरा करने में अब सिर्फ 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा। शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है। इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है वो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगी।
जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से जो ट्रैफिक कम होगा वो प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। वजीर अजम जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत की इन कोशिशों को रफ्तार देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्पीकिंग का नाम भी तब्दील किया जा रहा है। अब ये वजारत को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट स्पीकिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा। सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब यह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा, उसका विस्तार किया जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर जगहों पर शिपिंग मंत्रालय ही पोर्ट्स और वाटरवेज का भी दायित्व संभालता है। भारत में शिपिंग मंत्रालय पोर्ट्स और वाटरवेज से जुड़ी काफी कार्यों को करता रहा है। अब नाम में अधिक स्पष्टता आने से काम में भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी। आज बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी का यौम पैदाइश है और वो 93 साल के हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के तौर पर मुआविन बानियों में से रहे लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 2002 से 2004 तक नायब वजीर आजम के तौर पर काम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला ने उन्हें यौम पैदाइश की नेक ख्वाहिशात पेश की हैं, जो उनकी रिहायशगाह पर उनसे मिलने पहुंचे। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी ने वजीर आजम के साथ मिलकर केक भी काटा। मरकजी वजारत सड़क ट्रांसपोर्ट और रियासती शाहरा ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यकम जनवरी 2021 से पुरानी गाड़ियों के लिए फास्टैग होना लाजमी कर दिया है। यकम दिसंबर 2017 से काबिल फरोख्त की गई एम और एन जुमरे की चार पहिया मोटर गाड़ियों के लिए फास्टैग होना लाजमी किया गया है। मरकजी मोटर गाड़ी साप्ता 1989 के मुताबिक यकम दिसंबर 2017 से नई चार पहिया गाड़ियों के सभी तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग लाजमी कर दिया गया था और 52 मैन्युफैक्चरर्स और उनके डीलर फास्टैग की सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही ये लाजमी किया गया है कि ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के लिए फास्टैग लगाने के बाद ही फिटनेस और सर्टिफिकेट और रिन्यू किया जाए। इसके अलावा नेशनल परमिट गाड़ियों के लिए भी यकम अक्टूबर 2019 से फास्टैग लगाना जरूरी है। नई थर्ड पार्टी का बीमा लेते वक्त कानूनी फास्टैग का होना लाजमी है, जिसमें फास्टैग आईडी की तफसील शामिल होगी। ये यकम अप्रैल 2021 से अमल में आने के बाद नाफिज होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक जराये से टोल प्लाजा पर फीस की 100% अदायगी को यकीनी बनाने के सिमत में एक अहम कदम होगा और गाड़ियां बगैर किसी रुकावट के टोल प्लाजा से गुजर सकेंगी। इससे गाड़ियों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा और ईंधन की भी बचत होगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के अगले सदर होंगे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी ओबामा के दौरे हुकूमत में जो बाइडेन ने नायब सदर के ओहदे की कमान संभाली थी। जो बाइडेन ने मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में कहा कि मैं एक ऐसा सदर बनने का अहद करता हूं जो अमरीका को तकसीम नहीं करना चाहता बल्कि इत्तेहाद चाहता है। एक ऐसा सदर जो लाल राज्य और नीला राज्य नहीं देखता बल्कि मुत्तहदा अमरीका देखता है। Be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. भारतीय निजात सेनेटर कमला हैरिस अमरीका में नायब सदर के ओहदे के लिए मुंतखब होने वाली पहली खातून हैं। भारतीय निजात की कमला हैरिस ने सिलेक्शन में जीत कर एक नई तारीख रकम कर दी है। 56 साल की हैरिस मुल्क की पहली भारतीय निजात और अफ्रीका अमरीकी नायब सदर होंगी। हाइडन और हैरिस आइंदा साल 20 जनवरी को ओहदे का हलफ लेंगे। अपने पहले खिताब में कमला हैरिस ने कहा कि वो बेशक व्हाइट हाउस की पहली खातून हैं, लेकिन वो आखिरी नहीं होंगी क्योंकि अमेरिका इम्कानात वाला मुल्क है। इज व्हेन द रियल वर्क बिगिंस, द हार्ड वर्क, द एसेंशियल वर्क टू सेव लाइव्स एंड बीट दिस एपिडेमिक, टू रीबिल्ड आवर इकॉनमी, टू कॉम्बैट द क्लाइमेट क्राइसिस, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready. वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तकरीबन 5 सदी के तवील इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के शानदार मंदिर का भूमि पूजन इख्तिताम पजीर हो गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संगे बुनियाद होने के बाद दिवाली के मौके पर अयोध्या में मुनाकिद किए जाने वाले दीपोत्सव 2020 की खसूसी अहमियत है। वज़ीर आला ने दीपोत्सव को बड़े पैमाने पर मनाए जाने पर खसूसी जोर देते हुए कहा कि सभी प्रोग्रामों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल किया जाए। उन्होंने पूरे दीपोत्सव के दौरान अलग अलग प्रोग्रामों का इनेकाद किए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मिट्टी और गोबर से बने दीयों को रोशन किया जाए, बेदारी पैदा करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिए जलाने के लिए रागिब किया जाए। इससे जहां एक जानिब इको फ्रेंडली दिवाली के तस्वुर को पूरा करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी जानिब माटी कला से जुड़े कारीगरों की आमदनी में भी इजाफा होगा। गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बिजली निगम की 216 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल संगे बुनियाद रखा और मानवन किया। संगे बुनियाद और मानवन प्रोग्राम का गोरखपुर के मुख्तलिफ मकामात पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। गोरखपुर के झारखंडी मंदिर के पास प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट रवि किशन भी मौजूद रहे। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी हुकूमत ने 3 वर्षों में तरक्की के बड़े काम किए हैं। जल्द ही बिजली सप्लाई निगरानी के शोबे में तारीखी असला देखने को मिलेगी। गोरखपुर के रुकन पार्लियामेंट रवि किशन ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आला ने जो सौगात दी है, इससे गोरखपुर के बिजली निजाम में तारीखी असलाह होगी। लोगों के घरों तक बिजली पहुंचेगी और वोल्टेज की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। सबसे सुंदर चीज हुई गोरखपुर के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए 217 करोड़ 77 लाख रुपए का उन्होंने बिजली के लिए आज बजट सैंक्शन किया, जिसमें जर्जर तार की समस्या बहुत थी। बच्चों की, माताओं की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी उन जर्जर तार को पानी में गिर जाने से, छूने से, अचानक वो देहात हो या शहर हो। तो ये खबरों से महाराज जी भी बहुत चिंतित थे, हम स्वयं चिंतित थे। उन्होंने आज उस झंझट को ख़त्म कर दिया कि अब ये जर्जर तार ना रहेंगे, ना कभी किसी मेरे को बच्चों को हम लोग खोएंगे, तो ये समस्या खत्म होगी। तो अब जर्जर तार बल्ली बास बल्ली के लिए पूरा एक बजट सैंक्शन हुआ है। ये भी एक स्ट्रांग वायर आएगा जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जलता था, अब वो केबल इतना स्ट्रांग कर दिए हैं कि अब वो ट्रांसफार्मर जलने की खबरें आपको नहीं आएंगी। तो उन्होंने ये की, और सबसे बड़ी बात है 2,20,000 वोल्ट का एक और बिजली घर आएगा गोरखपुर में। तो अब हो जाएंगे हमारे पास 2 बिजली घर गोरखपुर में, जिससे 24 घंटा बिजली होगी। अब इंडस्ट्री आएगी, अब यहाँ पे गीडा आए, होटल इंडस्ट्री आए, फिल्म इंडस्ट्री आए, स्टूडियो आए, छोटा बिजनेस कारोबार, हर आदमी को बिजली चाहिए धंधा पानी करने के लिए। हर इंसान को बिजली बहुत मस्त है, बिजली और पानी, तो वो समस्या खत्म हो गई। और मैं इसके लिए महाराज जी को गोरखपुर की देवतुल जनता की तरफ से दिल से साधुवाद देता हूँ। वार्ड की जनता की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि महाराज जी आपने दीपावली से पहले एक दीपावली का इतना बड़ा उपहार हम लोगों को दिया, जिसके लिए वर्षों से हम लोग जूझ रहे थे। मुझे याद है मैं पार्षद जब यहाँ पे था तो उस समय लगातार इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। इस समय आपने निश्चित रूप से दीपावली का जो एक कहते हैं ना बम्पर उपहार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वार्ड के लिए बम्पर उपहार दिया, और जिस दिन ये कार्य पूरा होगा उस दिन पूरा वार्ड हमारा जिस भी समस्या से, बिजली की समस्या से, जहां जहां भी है निजात मिल जाएगा।
शाहजहांपुर में वजीर गन्ना सुरेश राणा ने कहा कि योगी हुकूमत की क्यादत में गन्ना किसानों की वक्त से अदायगी की जा रही है और आला मयार वाली किस्म का गन्ना दिया जा रहा है। इसकी वजह से किसानों के फायदे में इजाफा हुआ है। वहीं क्रेशर और कोल्हू के लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और वो खुद कफील बन सकें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की 83% अदायगी हो चुकी है, बाकी अदायगी भी जल्द ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मफाद में मसलसल काम कर रही है। 25 साल से बंद पड़े क्रेशर शुरू किए गए हैं। कोल्हू से तैयार होने वाले गुड़ पर टैक्स को खत्म किया गया है और इसका फायदा किसानों को मिलेगा। मैं दूंगा प्रदेश की जनता का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए। मैं पार्टी का अभिनंदन करूंगा। 25 साल से उत्तर प्रदेश में क्रेशर बनता, 25 साल में एक क्रेशर का लाइसेंस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। मैं गन्ना मंत्री के रूप में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मात्र एक वर्ष के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने 188 नए क्रेशर के लाइसेंस उत्तर प्रदेश के अंदर दिए। हमने कोल्हुओं को सारे गुड़ के ऊपर जितने टैक्स थे सब समाप्त कर दिए। हमने ग्रामीण एक मजबूती आत्मनिर्भर भारत का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, गांव में रोजगार हो, एक गन्ना किसान के पास विकल्प हो, जहां सुगर मिल केवल अकेले विकल्प थी आज कोल्हू विकल्प है, आज क्रेशर विकल्प है। 10,000 TCD यदि हम कहें तो 10,000 TCD का हमने पिछले साल किया था, अब हम 50,000 TCD पर पहुंच गए। 10 नई सुगर मिलों के बराबर हमने कोल्हू क्रेशर की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में शनिचर को 35वां यौमे तासीस मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर वजारत शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खरौला मौजूद रहे। उन्होंने मुल्क में हवाई किराए में कमी पर खुशी जाहिर की, साथ ही कहा कि अब जहाज से सफर करने वालों में इजाफा हुआ है। उन्होंने अकादमी की तरक्की पर खुशी भी जाहिर की। दूरदर्शन से बातचीत करते हुए जनाब खरौला ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री में कोविड का बहुत खतरनाक असर रहा है। डोमेस्टिक फ्लाइंग तकरीबन 5 महीने पहले शुरू हुई थी, अभी भी जनरल हवाई फ्लाइंग का 55% परवास हो रही है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कृष्णचंद गुप्ता ने बताया कि 2 नए कोर्स शुरू किए गए हैं, इनमें ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है। पहले साल में 80 बच्चों का हदफ लेकर इंस्टीट्यूट चल रहा है। ड्रोन पायलट्स के मुतालबे के पेश नजर इस तरह के कोर्स काफी मकबूल हो रहे हैं। ठोठों से दो कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं, ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं और बच्चे जो हैं शीघ्र ही अगले हफ्ते में यहाँ पर कॉलेज में आ जाएंगे। तो पहले चरण में करीब 80 बच्चे आ रहे हैं और क्रमेण धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कोविड का पूरी एविएशन इंडस्ट्री पे बहुत बहुत ही मैं कहूँगा कि घातक एक इम्पैक्ट रहा है, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक एविएशन है जो वो अभी हमने 5 महीने पहले उसको ओपन कर दिया था और आज की तारीख में जो सामान्य तरह जितने हमारे हवाई जहाज चलते हैं, जितने लोग चलते हैं, उसका अभी तक हम 55% पे हम पहुंच चुके हैं। मतलब शीघ्र ही हम कहेंगे कि इसको हम सामान्य लेवल पे ले आएंगे। वही इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कृष्णचंद गुप्ता ने बताया कि इंस्टीट्यूट में 2 नए कोर्स शुरू हुए हैं जिनमें ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे पहले सेशन में 80 बच्चों को हदफ लेकर चला जा रहा है, ड्रोन उनमें से एक है। मुल्क में अच्छे तैयारा पायलटों के साथ अच्छे ड्रोन पायलटों की भी भारी डिमांड है। इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो फ्लाइंग ट्रेनिंग के साथ साथ एविएशन के और भी जो एरियाज है उनमें अगर हम आगे बढ़े तो वो देश के लिए भी अच्छा होगा और हम भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। इसी तहत हम लोगों ने ड्रोन ट्रेनिंग और ELP का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या होता है कि पायलट को एक लेवल का अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें उस तरह का साहित्यिक अंग्रेजी नहीं लेकिन अंग्रेजी जिसमें टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, क्योंकि उनको ATC के साथ वार्तालाप करनी पड़ती है और वो अलग अलग देशों में लैंड करते हैं जहाँ की भाषा जिनका प्रोनंसिएशन अलग है। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने DGCA ने हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि एक प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उनको ग्रेडिंग मिलेगा और उस ग्रेड के अनुसार ही उनको कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस इशू होंगे। रियासत के नायब वजीराला केशव प्रसाद मौर्य और राज्य फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अहाते में वाकई दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नायब वजीराला ने कहा कि वजीराला ने रियासत में फिल्म सिटी की तामीर का ऐलान किया है, जिसके काम को अब और रफ्तार मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी की तामीर उत्तर प्रदेश में होगी और कसीर तादाद में नए फनकारों और तमाम तकनीकी हाथों को अपनी ही रियासत में काम मिलेगा। प्रदेश सरकार की मंशा है कि हम मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में काम भी चल रहा है और फिल्म जगत में उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमारे बड़ी संख्या में देश के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, अभिनेता हों चाहे अभिनेत्री हों, वह पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने का काम किया। नई जो फिल्म सिटी प्रस्तावित है, जिसके लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है, उसके माध्यम से जहां हमारे कलाकारों को उत्तर प्रदेश में ही इस प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर रोजगार के व्यापक अवसर भी इससे खड़े होंगे। हमारी सरकार का प्रयास है प्रतिभाओं का पलायन न हो और अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो और कहीं पर भी उत्तर प्रदेश जो देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश है, किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाए। इसलिए आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मैं शुभकामनाएं देता हूं राजीव भाई साहब को, मंगल कामनाएं देता हूं। इस मौके पर राज्य फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने कहा कि फिलहाल परिषद का जोर फिल्में बनाने पर है, लेकिन आइंदा वक्त में वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को भी सहूलियत फराहम कराने पर गौर किया जाएगा। अभी देखिए फिल्म विकास परिषद के पास सिर्फ फिल्मों से संबंधित काम है, अभी इसमें वेब सीरीज और टीवी सीरियल नहीं जोड़ा गया है, उनको हम अभी किसी तरह का अनुदान नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई फिल्म यहाँ बनाता है तो उसको ज़रूर, अगर हिंदी फिल्म है तो 25% उसको सब्सिडी मिलती है और अगर यहाँ की स्थानीय भाषा में है तो 50% की सब्सिडी दी जाती है। तो तमाम प्रक्रियाएं बहुत तेज़ की हुई हैं, पिछले दिनों कम से कम 20 प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी गई है, क्लियर किया गया है, तो वही काम और तेज़ी से हो इसी कड़ी में ये कार्यालय की स्थापना मान सकते हैं। और आप देखेंगे बहुत जल्द जो फिल्म सिटी जो कि 20 साल पुरानी मांग है अब वो पूरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के खुद कफील भारत के अज़्म को लेकर बांदा में सहरोज़ा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर महोत्सव का इनेकाद किया गया। इसमें गरीब बच्चों को खुद कफील बनाने के लिए रक्स, मेहंदी और रंगोली वगैरह की मुफ्त ट्रेनिंग देने के साथ ही प्रोग्राम में बच्चों के जरिए बनाए गए जोड़, हैंडमेड और प्रोडक्ट्स का मुजाहरा भी किया गया। शहर की दो होनहार बेटियों की जानिब से मुनक़िद इस प्रोग्राम की पूरे बुंदेलखंड में सताइश की जा रही है। प्रोग्राम की शुरुआत को गौरव दयाल बांदा कमिश्नर ने किया। प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर प्रिया एमटेक है और जया बीटेक है। ये दोनों बहनें आला तालीम हासिल करने के बाद भी गरीब बच्चों और ख्वातीन को मेहंदी, रंगोली और दीगर चीजें बनाने की मुफ्त तरबियत दे रही हैं, जिससे वो खुद कफील बनकर समाज में एहतराम के साथ जिंदगी बसर कर सकें। आत्मनिर्भर की जो सोच है इनमें ये बहुत बड़ा कार्य कर रही है, इससे बांदा में बहुत प्रतिभाएं हैं जिनको मौका नहीं मिलता, ये उनको मौका दे रही, प्रशिक्षित कर रही हैं, इससे बांदा में आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं निकलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी भाई का, जिन्होंने आपदा काल में, कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत की दूरदृष्टि सोच लेकर रोजगार को बढ़ावा दिया, स्थानीय शिल्पकारों को बढ़ावा दिया है उन्होंने, बहुत बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है ये। और आत्मनिर्भरता में बांदा का यह अभूतपूर्व यहाँ पर है। ये हमारी बहुत छोटी बहन है जया गुप्ता जी, इनके आयोजक मंडल इनका है और इन्होंने जिस तरह से ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, वास्तव में आप देख भी रहे होंगे कि बेहद खूबसूरत और सराहनीय कार्य है। और मैं चाहती हूँ कि बांदा ज़िले में इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं या जिस तरह से शिल्पकारों का मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है, लगातार हमारे जो भी वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर आते हैं और मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा बांदा। बहुत ही शानदार प्रयास है, अगर यही आगे चलता रहा तो नो डाउट कि लड़कियां ज़्यादा तरक्की पे जाएंगी। और जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि अगर कहीं पर कभी कुछ हम लोग बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, लेकिन अगर पांच भी सुनते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो पांच कहीं ना कहीं किसी पांच से बताएगा
उनमें से अगर एक भी बताता है तो अगर 5 बच्चियां सीख रही हैं तो उनमें से वो 10 को तो सिखा ही सकती हैं। तो अगर इन्होंने ये कदम उठाया है तो इसमें देर नहीं है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर प्रिया और जया का कहना है कि उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चियों को मुफ्त तरबियत देकर खुद कफील बनाना है। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम के तवस्सुत से ख्वातीन के साथ मिलकर बनाए गए बहुत से फनपारों को और चीज़ों की नुमाइश लगाई गई है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर मुल्की चीज़ों का इस्तेमाल करें, इसी को बुनियाद बनाकर इसी तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत, तो पेंट माई ड्रीम के तत्वाधान में ही हम लोगों ने आत्मनिर्भर की पहल की शुरुआत की थी। हम लोगों के यहाँ जितना भी पेंट माई ड्रीम की तरफ से होता है हम निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें डांस, आर्ट, मेहंदी, रंगोली, पियानो और हस्तनिर्मित वस्तुएँ बनाना सिखाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें चाइनीज़ वस्तुओं को बहिष्कार करना है और अपने बुंदेलखंड में या कहीं भी बनी हुई चीज़ों को ही हमें तो रोज़गार मिले ही मिले, उसे दूसरों का भी रोज़गार मिले। ये आप जैसे जानते हैं यहाँ पे बुंदेलखंड आत्मनिर्भर महोत्सव चल रहा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने मिल के ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये सारी मिट्टी की चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको बहुत तरह के दिए मिलेंगे, 20 से 25 डिज़ाइन के दिए मिलेंगे आपको और बहुत यूनिक चीज़ें मिलेंगी जो अभी तक मुझे शायद लगता है बांदा में किसी ने देखी भी नहीं होंगी, वो डिज़ाइन जो मैंने की हुई हैं। और मेरा ये मानना है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए, चीनी चीज़ों का बहिष्कार ही करना चाहिए। जैसा कि माननीय मोदी जी बोलते हैं कि लोकल फॉर वोकल, उसका हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है सारे लोगों को कि अपने ही देश की चीज़ें यूज़ करना चाहिए। यहाँ जो सारी चीज़ें बनी हुई है इससे जैसे मुझे तो रोज़गार मिलता ही है, मेरे साथ साथ उन महिलाओं को भी रोज़गार मिलता है जो मेरे सारे टीम में है। लखनऊ महानगर गोमती नगर इकाई ने सीनियर सहाफी अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर कल मुजाहरा किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान ने महाराष्ट्र हुकूमत की मुखालफत में हुसड़िया चौराहे पर मुजाहरा किया। इस मौके पर गौरव कमरिया, अतुल पांडे, प्रांजन मिश्रा, आदर्श सिंह समेत कई कारकुनान शामिल थे। इलाकाई अवामी राबता ब्यूरो इत्तलात व नशरियात वजारत भारत सरकार वाराणसी से कोरोना से बचाव के लिए बेदारी का 10 रोजा मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में जुमे को भावपुर, सत्तनपुर, हाथी बाजार, हरई झांसा और रामेश्वरा वगैरह में मुकामात पर मोबाइल नुमाइश के तवस्सुत से लोगों को बेदार किया गया। बरहा, पोस्टर, स्टीकर और सवाल और जवाब के मुकाबले के तवस्सुत से भी लोगों को मास्क लगाने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पैगाम दिया गया। मुकाबले के 10 फातिहीन को इनामात से भी नवाजा गया। इलाकाई पब्लिसिटी अफसर डॉ. लाल जी ने कहा कि अपने बर्ताव में तब्दीली करके कोरोना के इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी वाराणसी, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार वाराणसी इकाई की तरफ से COVID-19 से बचाव के उपाय के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, सही ढंग से मास्क पहनने के लिए, समय समय पर हाथ धोने के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 10 दिवसीय प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को बहोरनपुर, भवानीपुर आदि ग्रामों में प्रदर्शनी के माध्यम से, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से, रामेश्वर, भावपुर, सत्तनपुर, हाथी बाजार आदि स्थानों पर गीत संगीत के माध्यम से COVID-19 से बचाव के जो उपाय हैं उन उपायों के बारे में आम जन को बताया गया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात को रोपेक्स फेरी और रोपेक्स टर्मिनल की दी सौगात। सूरत के हजीरा बंदरगाह से भावनगर और घोगा बंदरगाह के दरमियान चलेगी ये सर्विस।
मरकजी वजारत सड़क ट्रांसपोर्ट और रियासती शाहरा ने जारी किया नोटिफिकेशन। जनवरी 2021 से पुरानी गाड़ियों के लिए भी जरूरी होगा फास्टैग। टोल प्लाजा में 100% टैक्स के लिए उठाया गया कदम। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन होंगे अमेरिका के अगले सदर। भारतीय निजात की कमला हैरिस अमेरिका में बनेंगे नायब सदर। आइंदा साल 20 जनवरी को लेंगे ओहदे का हलफ। और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की बिजली निगम के 216 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया मानवन और रखा संगी बुनियाद। इससे लोगों को बगैर रुकावट बिजली और वोल्टेज की दिक्कत से मिलेगी नजात। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।